अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कैदी का दर्जा दिया गया है। जेल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सेहतमंद करार दे दिया है। हम घबराते नहीं हैं, मगर हमने एक दहिया किया हुआ है। आवाम को अदल दिलवाएंगे, वोट की इज्जत दिलवाएंगे। साबिक वजीर आजम के दामाद की सजा शुरू हो गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। एवन फील्ड रेफरेंस के मुजरिम को बख्तरबंद गाड़ी में अडियाला जेल लाया गया। मुजरिम का सबसे पहले तिबी मुआयना हुआ। डॉक्टरों ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बी क्लास कैदी की हैसियत से अडियाला जेल में एक साल गुजारेंगे। जेल में अलग कमरा मिलेगा, एयर कंडीशन, खिदमतगार और अखबार दस्तियाब होंगे। पसंद का खाना भी फराहम किया जाएगा। इससे पहले नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एहतसाब अदालत में पेश किया। इस मौका पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए, जबकि अदालती अहाते में मीडिया का दाखिला भी रोक दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां छुपे रहे नैब? दो रोज तक कैप्टन रिटायर्ड सफदर को क्यों ना ढूंढ पाई नियो न्यूज ने गिरफ्तारी से पहले रुपोशी की जगह ढूंढ निकाली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को दो रोज तक नैब ढूंढती रही। अब्दाबाद, मानसहरा, हरिपुर में टीमें भेजी। पुलिस ने भी हर जगह तलाश किया, लेकिन कैप्टन सफदर रिटायर्ड का कोई सुराग ना मिला। न्यू न्यूज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की रुपोशी की जगह ढूंढ निकाली। वो मानसहरा में तनोल के पहाड़ों में रुपोश रहे, जहाँ अपने साथियों के साथ गार में छुपे रहे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पार्टी के आदत से मुशावरत के बाद तनोल के पहाड़ों से निकले और छप्पड़ और पुलिस और नैब को चकमा देकर रावलपिंडी पहुंच गए। अडियाला जेल को नया कैदी मिल गया। नवाज शरीफ ने पहले कैद काटी और अब दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी अडियाला जेल में सलाखों के पीछे है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अडियाला जेल एक इस्तारा बन चुकी है। अडियाला जेल में कौन कौन कैद रह चुका है, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सियासत और जेल का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान में जो कई कचरे इकदार से निकाला गया, अडियाला जेल उसकी मंजिल ठहरी। इस जेल के मारूफ मेहमानों की फहरिस्त में अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम भी दर्ज है। पाकिस्तान के दो साबिक वज़ीरे आज़म ने असीरी के स्याह दिन और काली रातें अडियाला जेल में गुजारी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने आयाम असीरी में किताब लिखी। नवाज शरीफ को सियासत के असरार और रमूज पर गौर का मौका मिला। जकी रहमान लखवी कई साल यहाँ बंदी रहे। मुमताज कादरी का ठिकाना भी यही जेल थी। मारूफ मॉडल गर्ल अयान अली भी अडियाला जेल में कैद रह चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।